बलौदाबाजार जिला के रोहासी गांव के रहने वाले पीलाराम मारकंडे उम्र 42 साल के साथ हुए हादसे के बाद उनके अपनों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। पुलिस ने अनाथालय में भर्ती कराने की बात कहकर उसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया था और बाद में उसे छोड़कर चली गई। फिलहाल उसका इलाज पलारी अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले पलारी थाना क्षेत्र के रोहासी गांव में रहने वाला पीलाराम मारकंडे उम्र 42 साल ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो दिल्ली काम करने जा रहा था, जाते वक्त हुए ट्रेन हादसे में घायल होने के बाद उसके दोनों पैर और एक हाथ को काटना पड़ा था। दिल्ली में ही लोगों ने उसे एक अस्पताल में भर्ती करा दी थी, इससे उसकी जान बच गई, लेकिन हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। दिल्ली के अस्पताल वालों ने उन्हें ट्रेन में बिठाकर गांव भिजवा दिया। उनका अपना सगा कोई नहीं है, लेकिन दूर के रिश्तेदार जिनके भरोसे वो गांव आया था, उन लोगों ने भी अब उससे अपना मुंह फेर लिया है। इधर पिछले 10 दिनों से पलारी पुलिस पीलाराम मारकंडे को लेकर गांव से आई और पलारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालांकि पुलिस कुछ दिन बाद आकर उन्हें अनाथालय में भर्ती कराने की बात कर रही थी, लेकिन अब तक उन्हें लेने कोई नहीं पहुंचा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन को पीलाराम के परिजनों का इंतजार है, क्योंकि उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। दोनों पैर कट जाने से उन्हें बाथरूम जाने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती है। तो पीलाराम का कहना है कि उनका अपना कोई नहीं है, जो है उन्होंने उनसे अपना नाता तोड़ लिया, इसलिए उन्हें अब अनाथालय में भर्ती होने का इंतजार है, ताकि अपनी आगे की जिंदगी वही काट सके।